शुरुआत करते हैं मार्केट पॉइंट से। और यहाँ सबसे पहले मैं देख रही हूँ ऐसा डब्बा जिसमें मैं रूहान की जो वेजीज हैं वो स्टीम कर सकूँ दुबई में। सो आज रात को निकलना है दुबई के लिए, और मैं ये सब जो शॉपिंग है लास्ट मिनट जैसे मैं हमेशा करती हूँ वो लेने आई हूँ। जैसे कॉफ़ी सैशेज हो गए, ये देखो नाम लिया और सामने रखे हुए हैं, कॉफ़ी सैशेज हो गए, और क्या, और काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं लेने के बाद बताती हूँ आपको। ये क्या स्टाइल मार के लेटते हो रूहान, हाँ आप सिर्फ 8 महीने के हो, 8 महीने में ऐसे स्टाइल मारते हैं, ये क्या है, ये क्या तरीका है बताओ। पैकिंग हो गई है शुरू, और मार्केट पॉइंट जो सामान मैं लेने गई थी वो आ गया है। सो ये है सारा मार्केट पॉइंट का सामान। ये मेरे हाथ में कुछ स्ट्रॉज हैं, इसे रूहान खेलना बहुत पसंद करता है, इसे मैंने ये ले लिए। ये रही पैकेट, ये थोड़ी सी मेरे हाथ में है, और कुछ बिस्किट, सॉल्ट, पेपर, घी वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए रेडी टू गो। और ये है कुकर। वैसे तो मैं हर बार ही पूरा घर साथ लेके चलती हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा केयरफुल हूँ क्योंकि रूहान का पहला ट्रिप है। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका करकरे, एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सुबह आपने ये जो छोटी मोटी तैयारी देखी, एक्चुअली ये पूरा दिन चली, और आज हमारी पैकिंग लिटरली पूरा दिन चली है। सॉरी मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ, मैं वॉल्यूम अप कर दूँगी क्योंकि ये अभी सुकून से सोया, और आपको पता है आज ये अभी सोया है पूरा दिन। मतलब ऐसे लग रहा था कि इसको पता है इसके पहले ट्रिप के लिए जाने वाला है, इसलिए इसने पूरा दिन ऐसे जगी रहकर मस्ती की है, देखता रहा है यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, और अभी फाइनली बेचारा सो गया है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, बाकी बातें एयरपोर्ट में करती हूँ। रूहान, रूहान आप उठ गए? पहला ट्रिप दुबई जा रहे हो? और यही वो जगह, वो मोमेंट है जहाँ हम हमारे, ये देखिए ये वाले दो बैग्स भूल गए थे, और आगे जाके वो पूरा क्योस हुआ जो आपने शोएब के व्लॉग में सुना होगा। मैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करी थी और बहुत बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत क्योस हो गया उसके बाद, लेकिन फिर हम फाइनली बैठ के एयरक्राफ्ट में, और ये सुकून से सो गया। और यहाँ शोएब भी सोने की पूरी तैयारी में, बहुत थक गए थे हम दोनों भी बहुत ज़्यादा। और ये रही हमारी बिज़नेस क्लास की सीट, ये कुछ क्यूट क्यूट से गुड्डीज़ उन्होंने रूहान के लिए दिए। ये पानी वगैरह यहाँ रखा हुआ है, ये है हेडफोन्स, और वो है स्लिपर्स, बड़ी कम्फी स्लिपर्स, देखिए मैंने पहन ली। हम लोग फाइनली फ्लाइट में बैठ गए, और ये पहला ट्रिप है रूहान, जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि जो हमारी 9 बजे एयरपोर्ट पे आपको बता नहीं सकते। जाके रूम में विस्तार से बताएंगे कौन कितने कितने बैग्स भूला, कहाँ कहाँ भूला, और वो बैग्स कैसे हमें वापस मिले। और उस बीच बेचारा रूहान, उसका नोज ब्लॉक हो गया, वो जोर जोर से रो रहा है, पूरा हौच-पौच हो गया, और अभी हालत ख़राब हो गई है। एंड आज ही के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग लाइन में खड़े रह रहे थे, हालत ख़राब हो गई है। तो अभी ये बेचारा फाइनली सो गया है, एंड आई होप कि ये ऐसे ही पीसफुली सोए, आई रियली प्रे। बहुत रोया बेचारा। तो बस अभी मैं भी बहुत थक गई हूँ, सो तो ऑलरेडी गुड नाइट हो गया, मैं भी गुड नाइट हो गई हूँ, बाद में मिलते हैं। एमिरेट्स के कैबिन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगती है, जब आप रात में लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद थक के अपनी सीट पे टिकते हो, तो ऊपर आपको ये बहुत ही कामिंग सी छोटी छोटी टिमटिमाती हुई लाइट्स दिखती हैं, बहुत प्यारी लगती है। हो गए हम लैंड, और ये शोएब यहाँ पे क्यूट सी पिक्चर लेने की कोशिश करे थे जहाँ पर रूहान का नाम दिख रहा है, उसका पहला बोर्डिंग कार्ड। एंड सबसे अच्छी बात कि रूहान बहुत पीसफुली पूरी फ्लाइट पे सोया है, पूरी फ्लाइट में, सो आई वाज वेरी हैप्पी। हम दुबई आ गए, आ गए दुबई आ गए।
फाइनली वी आर इन दुबई अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मां चेंज की बात है फाइनली भूलते भालते हम पहुंच ही गए सारे सामान समेत। वो नहीं वो अपना अपना टूमी वाला अपना वो शोएब अरे यार रोहन वाला पूरी फ्लाइट में अच्छे से निन्नी की मेरे गुड बॉय ने है ना बेबी। वीडियो नहीं चलता वीडियो कॉल नहीं चलता। अच्छे से निन्नी हो गई अभी मस्ती आई है क्यों चीखे थे इतना एयरपोर्ट पे जोर जोर से हैं ऐसा कौन चीखता है इतना चीख के क्यों दे मेरा तो सुसी रोन पे देखो इतना अच्छा अच्छे से सेटल हो गए रूम में। इसने एक छोटी सी नैप बहुत छोटी वाली नैप ले ली वॉश भी ले लिया है ना हमने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए अब लगी थी भूख तो हम खा रहे हैं अपना फेवरेट बनाना है ना रोहन। ये क्या है ये देखिए मस्ती करते करते इसे दोनों सॉक्स मैंने पहनाई थी इसने एक सॉक्स निकाल दी और अभी देखिए कितना खुश है क्या है ये हाय रोहन उठ गए आप कहाँ बैठे हो अपना खाना बनवाने बैठे हो हाली बीबी। सो हम लोग मस्त सो लिए लड़के तो अभी भी सो रहे हैं शोर भी अभी भी सो रहे हैं हम तो दोनों खूब अच्छे से सोए थे खूब अच्छे से है ना और अभी हम उठ गए हैं तो अब हम बनाएंगे रोहन का खाना और ये आके यहाँ पे रुका हुआ है कि अम्मी खाना बनाएंगी और खाना खिलाएंगी क्या खाएगा अच्छी ये देखो अपनी सॉक्स निकालने में लगा हुआ है ये देखो पहली बार पहनी है तुमने चलाकी मत करो ज्यादा समझ आ रहा है इधर देखो ए चलाकी करके मुंह घुमाते हो बस नहीं पहले खा रखे हो। तो चलिए जो घर से तैयारी करके लाए हैं ये रहा थोड़ा सा घी और मैं एक डब्बे में सूजी जो है वो भून के पीस के लेके आई हूँ ताकि मैं इसके लिए इसका फेवरेट शीरा बना सकूँ। ये देखिए यहाँ पे इसे भून के ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिया डब्बे में भर लिया है। बेचारी को इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज मेरे पास अभी फिलहाल बनाना इसने सुबह खा लिया तो अभी नहीं था और पम्पकिन मैं इंडिया से लेके आई हूँ कद्दू लेकिन वो स्टीम करने का टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग सो गए अभी उठे एंड ही वॉज वेरी हंग्री तो मैंने अभी इसको ऐसे ही बना के दिया है सादा शीरा। उसको अच्छा नहीं लग रहा उसको लग रहा है कि ये कुछ ब्लैंड सा टेस्ट क्यों है तब भी बेचारा खा रहा है। इसके बाद आपका फेवरेट दूंगी ठीक है आई प्रॉमिस। खा रहा है मेरा गुड बॉय भूख लगी है चलिए अब एक डब्बे में रेडी हो गया है रूहान का कद्दू एक रेडी हो गई है खिचड़ी और ये छोटा सा दही रेडी गम्मी के लिए रेडी चलो
रो जा रही हूँ। शर्म आती है तुमको? हाँ मैंने थोड़ा वार्म कपड़ा पहनाया था तो इतना रोने का फिट दिया है। नहीं करते बेबी, रिहान की पहली इवनिंग यहाँ पे दुबई मॉल के यहाँ हम आ गए। एज यूजुअल हमारा पहला दिन का हमेशा रूटीन यही होता है कि रेस्ट करो, निकलो दुबई मॉल तक वॉक करके जाओ, खाना खाओ, टाइम पास करो, वापस आ जाओ, है ना? आज पापा की गोदी में घूम रहा है। ओली क्या कर रहा है? इधर इधर, हाँ सो जाएगा। नहीं आई, सो जाओ। Somebody saw me. Rohan, so many lights. Wow. दुबई आने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है वाफी गौरमे में खाना। ये अपने खाने का इंतजार करते हुए क्या कर रहे हो? बोले जब तक मेरा खाना नहीं आता मैं पेपर ही खा लूं। आज तो हमने बैग्स भूलने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। उनके लिए मैश पोटैटो एंड बॉइल्ड वेजीज। फाइनली रूहान ने जो है अपनी खिचड़ी अच्छे से इंजॉय करके खाई एंड उसके बाद जो वो सोया है इतना घुप और इतना पीसफुल सोया है। आई थिंक उसके लिए भी इट बिकेम टू मच, यू नो उसने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया है ऐसे, तो वो ट्रैवल करना, फिर अपने मन का खाना नहीं मिलना, टाइम पे नहीं मिलना, एंड फॉर अस ऑल्सो हम लोग ऑलरेडी एक थोड़े पैनिक जोन में थे कि हम इसको लेके पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें काफी क्योटिक हो गई। आपने डिटेल में जो किस्सा है वो शोएब के व्लॉग में सुना होगा, तो इट वॉज वेरी वेरी क्रेजी। बट आज वो सुबह से उठा है तो ही इज वेरी कंफर्टेबल, ही इज हैप्पी, ही इज प्लेफुल। उसको अपने सुबह की जो दो नींद है प्लस खाना है वो प्रॉपरली मिल गया। अभी हम थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे तो मैंने उसके लिए खाना रेडी कर लिया है। और इस बार और अभी ना मैंने सबको बोल दिया है कि याद से उसके खाने का बैग हमने लिया है या नहीं, ये चारों के चारों एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक करेंगे जिसको जब भी याद आता है, बिकॉज मतलब घर निकलने से पहले, निकलने के बाद नहीं। क्योंकि कल क्या हुआ, रात में जो मैंने खाना इतने शौक से उसका रेडी किया था वो ब्लैक बैग मैं रूम में ही भूल गई, मैं लेके ही नहीं गई। और जब हम वाफी गौमे में बैठे और मैंने बोला लाओ इसका खाना दे दो, तो उसका खाना था ही नहीं। दैट्स वाई आई ऑर्डर द मैश पोटैटो एंड द वेजीज फॉर हिम, बट उसने इतना इंजॉय नहीं किया। फिर मैं खाना खाने के बाद जल्दी घर आ गई थी, मैंने उसको खिचड़ी खिला दी एंड ही स्लेप्ट। हमारा भी इसके साथ यू नो एज पेरेंट्स फर्स्ट ट्रिप है, तो आई एम श्योर हम भी बहुत सारे एरर्स करेंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे और उसके बाद सीखेंगे। एंड विद एवरी ट्रिप वी विल ऑल्सो गेट मोर फ्लुएंट एंड मोर कॉन्फिडेंट। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मैं और क्या तैयारी कर सकती हूँ या किस तरीके से मैं रूहान को और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा सकती हूँ, बिकॉज आई एम श्योर ऑल मदर्स आउट देयर आप लोगों का भी ये पहला ट्रिप, पहला डिफिकल्ट ट्रिप रहा होगा। एंड जो दुबई में है वो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे बेबी फूड कौन सा अच्छा अवेलेबल है, बिकॉज मैंने डॉक्टर दीपक से पूछा कि मैं इसे यहाँ पे और क्या दे सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि जो वहाँ पे लोकल बेबी फूड मिलता है आप वो लेके दे सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा लोकल बेबी फूड कौन सा है प्लीज़ मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे प्लीज़ बताइएगा। प्लस अगर कोई अच्छी शॉपिंग लिस्ट है या कोई अच्छी जगह है जो हमें रूहान के लिए स्पेशली परचेज कर सकते हैं हम उसके लिए कुछ सामान या कुछ भी एनीथिंग, इफ़ यू गाइज फील इन दुबई देयर समथिंग जो हम जब रूहान के लिए के साथ पहली बार आए हैं तो हमें मिस नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ हमें बताइएगा।
सो बस आज भी हमारा प्लान है कि हम निकलेंगे, दुबई मॉल जाएंगे, घूमेंगे। आई होप आज रूहान थोड़ा कंफर्टेबल रहे, आई रियली होप, और जो होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो फिलहाल ये ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में। एंड देखते हैं आगे के ट्रिप पे रूहान कैसे कंफर्टेबल होता है, नहीं होता है, क्या होता है, हमें भी पता चलेगा ना, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम। डज ही लाइक ट्रैवलिंग, डज ही नॉट लाइक ट्रैवलिंग, क्या है, कैसा है, वो सब हमें धीरे धीरे पता चलेगा। सो लेट्स सी, तब तक के लिए लव यू गाइज़।